Hello dear students, welcome back to the GDC Live. GDCians always maintain the traditions और उसी traditions को maintain करते हुए आज हमारे साथ हमारे topper stock interview में हमारे next student है रश्मि रंजन. रश्मि रंजन have got all over India 18 rank in GPAC 2023. So first of all रश्मि रंजन, big congratulations for your result and welcome to the GDC. Thank you sir for having me here and full GDC day. Okay, रश्मि रंजन. Yes sir. 18 rank all over India under 100. How's the feel? कैसा था वो सिचुएशन जब रिजल्ट आपने देखा? सर एक्चुअली रिजल्ट मतलब इतना लेट हो गया था, मतलब हमने बहुत बार वो कैलकुलेट कर लिया था कि हाँ अंडर 50 में आ जाएगा कि अंडर 100 में आ जाएगा. फिर जो मैंने देखा कि हाँ अंडर 18 आ गया तो बहुत खुशी हुआ मुझे. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ अंडर 10 में आ सकता है, बहुत ही मेहनत किया है मैंने. Correct. तो फिर भी बहुत खुश हूँ सर. ओके चलिए, ये तो रिजल्ट फाइनल वो सिचुएशन जिस चीज़ को हमने टारगेट किया उसके बारे में, लेकिन थोड़ी सी जर्नी की शुरुआत किया जाए. जीपैक कैसे आपने और कब से प्लान किया कि मुझे जीपैक करना है? सर फोर्थ ईयर से मुझे पता चला कि हाँ जीपैक एक है, मुझे लेना है. मैंने प्रीवियस ईयर फोर्थ ईयर में जीडीसी भुवनेश्वर में ज्वाइन किया था. हाँ. और मैंने फर्स्ट 3 महीने अच्छा से प्रिपेयर किया, फिर उतना प्रिपरेशन नहीं हो पाया. फिर फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद मैंने ये सोचा कि हाँ एक ईयर ड्रॉप लेके पूरा मतलब अच्छे से तैयारी करते हैं, देखते हैं कितना अच्छा कितना. ओके, मैं अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपना कंफर्म करना चाहूँ, एक दृढ़ संकल्प और अगर मोटिवेशन आपका है ना और आपने एक चीज़ कन्फर्म किया है कि मुझे करके दिखाना है ना, तो एक बार का रिजल्ट हमारा फेलियोर भी हमारे लिए कभी वो फेलियोर नहीं होता है. लास्ट ईयर अगर हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, मैंने क्वालिफाई भी नहीं हुआ था और फोर्थ ईयर में क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन एक साल का ड्रॉप आउट लेके हमने वो प्रिपरेशन किया कि अंडर 100 रैंक लेके आए. बहुत बढ़िया. अच्छा एक अब यहाँ पे एक पॉइंट जरूर आता है, मैं इस चीज़ को जरूर थोड़ा सा कन्फर्म करना चाहूँगा कि जब आपका फोर्थ ईयर में नहीं हुआ तो एक डर भी रहा होगा, या ड्रॉप आउट ले रहा हूँ सही होगा नहीं होगा? हाँ सर, अंदर से तो बहुत डर लगा था बिकॉज मैंने प्लस टू के बाद भी मेडिकल कोचिंग 2 ईयर ड्रॉप ऑलरेडी ले चुका था. घर ने भी बहुत सपोर्ट किया कि हाँ बोल रहा है तो लेने दो उसको. तो मैंने ऐसा मान के चला था कि मेरा अभी कोई भी चांस नहीं है, ये मेरे लिए लास्ट चांस है, अगर नहीं हुआ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँ. मतलब ये सोच के ही मैंने मतलब 15 to 16 आवर मतलब अगस्त से पूरा लास्ट तक मैंने पढ़ा है. उसके बाद ही ये रिजल्ट. नो डाउट, किसी भी रिजल्ट में एक अपना पहचान और मुकाम बनाने के लिए शायद एक डेडिकेशन, एक बहुत ज़्यादा उसके लिए हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो आपने करके दिया. अच्छा अब मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन प्लान पे आप जाऊँगा. लाइक फोर्थ ईयर में नहीं हुआ, अब हमारे पास पूरा टाइम भी था. yes, हमने उस चीज़ को यूटिलाइज भी करना था. yes, और एक साथ ही साथ ये भी था कि डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे रहे होंगे. ठीक है कि हम फ्री हैं तो कभी कभी मन करेगा यार पढ़ते पढ़ते थक गए, चलो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, दोस्तों से घूम के आते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसी सारी चीज़ें भी आती हैं. तो मैं प्रिपरेशन प्लान कैसा था और जीडीसी में आप कब ज्वाइन हुए? जीडीसी में मैं सर 2022 अगस्त बैच में ज्वाइन किया था. हाँ जी. मुझे पढ़ना ज़्यादा मतलब वीडियो देख के अच्छा, विजुअल लर्नर थोड़ा अच्छा लगता है. हमेशा रिकॉर्डिंग आपका ही देखता हूँ और यूट्यूब से मतलब ऐसा कोई वीडियो नहीं है 2020 से लेकर 2023 तक सारे वीडियो अभी भी जो फार्मासिस्ट की चल रहा है, मतलब मैराथन सारे देख रहा है अभी तक. तो जब भी मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे और कुछ मतलब इच्छा होता है, तो उस बार मैंने इंस्टाग्राम से जीडीसी का भी पोस्ट आ रहा है, बहुत सारा ऐसा भी मतलब पेज है जहाँ जीपैक के रिगार्डिंग वहाँ पोस्ट हो रहा था. जी. तो मैं वो देखता था. तो ये यूट्यूब देख के सारी चीज़ें देख के आप जीडीसी प्राइम में इनरोल्ड हुए? ये सर अगस्त 2022 में. ये सर अब विजुअल लर्नर थे, बहुत अच्छा था, लेकिन एक कहते हैं ना कि विजुअल लर्नर बनना और उस चीज़ को मेंटेन करना दोनों अलग चीज़ें होती हैं. अब जब आप प्राइम कोर्स में इनरोल्ड हुए, कैसा था आपका वो फील टीचर्स के साथ और इंडिविजुअल टीचर और सब्जेक्ट वाइज? थोड़ा सा मुझे जानना है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी? सर इंडिविजुअल के जैसे मैं फार्मास्यूटिक्स के मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं है जीडीसी में, सच में बोलूँ तो मतलब कोई भी एक नहीं है मतलब अच्छा नहीं पढ़ाते सर. सभी टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं. अभिषेक सर आप जैसे पढ़ाते हो और राज सर मेडिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री में मतलब
हर किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। एग्जैक्ट बाकी सामने जैसे मतलब नेम से वो रिंग को कोरिलेट करते हैं थोड़ा मतलब याद हो जाता है, अदरवाइज मतलब वो ज़्यादा तक मतलब पढ़ने को मन भी नहीं होता है और याद भी नहीं रहता है। उस सर भी बहुत मतलब फार्माकोग्नोसी सारे वो क्लास में ही याद आ जाएगा, मतलब याद रह जाएगा यदि हम मतलब कंसंट्रेशन पूरा फोकस के साथ हम देखेंगे वो वो वीडियो। और अखिलेश सर केमिस्ट्री में तो मतलब बहुत बार रिवाइज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जीडीसी जो भी ज्वाइन करेंगे वो क्वालिफाई तो पक्का हो जाएंगे, बाकी बहुत अच्छी रैंक के लिए थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा हार्डवर्क और थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। नो डाउट वो चीज़ें जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी तरफ से 100% मोटिवेशन एक नहीं रहेगा तो वो चीज़ें शायद रेगुलरली नहीं होती हैं। अच्छा अब एक चीज़ पे चलते हैं कि लाइक आपके पास जीडीसी के मॉड्यूल्स थे सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपके रेफरेंस बुक के क्या सीनरी होता था, कौन कौन सी रेफरेंस बुक आपने कैसे फॉलो किया? सर के फार्माकोलॉजी के लिए मैंने केडी पूरा दो बार रिवीजन किया है, खाली एंटी माइक्रोबियल पीएल में मतलब इतना सारा था, खाली मतलब इम्पोर्टेंट मैंने पढ़ा था, बाकी पूरा फर्स्ट से लास्ट तक मैंने केडी दो बार पढ़ा था। लैकमेन में मैंने मतलब पूरा खाली चार्ट्स एंड टेबल पढ़ा है, और कोग्नोस के लिए खाली मटेरियल्स, और बाकी सारे लिए खाली मटेरियल्स। मटेरियल्स हमारे लिए सफिशिएंट है। yes, कभी मन में नहीं है कि मुझे अंडर 100 रैंक लाना है या टॉप 10 में रैंक लाना है, मेहनत करना है तो मुझे रेफरेंस बुक पढ़ना कंपलसरी है, कभी ऐसा दिल में? हाँ सर, मतलब फर्स्ट शुरू में जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन किया था मतलब ऐसा ये मन के चला था कि हाँ मतलब खाली क्वालिफाई बस हो जाए। धीरे धीरे जैसे एग्जाम दिया मतलब लास्ट मक में जे डी सी मेट लीजिए जितना मतलब 30 टेस्ट अराउंड किया था उसमें मेरा 20 से ज़्यादा से टेस्ट में अंडर 10 आया था सर। जी जी, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन आ रहा था कि हाँ शायद अंडर 20 अंडर 50 आ सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब पढ़ाई तो हमने कर लिया, मॉड्यूल सफिशिएंट है, क्लासेस आपकी लगातार हुई, और अगर मैं कंफर्म करूँ तो शायद आप लोगों का क्लासेस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन भी सारी चीजें, सिलेबस कंप्लीशन का भी मुझे थोड़ा जानना है कैसा था जीडीसी में? सर सिलेबस तो कंप्लीट हो मतलब कब से हो जाए हो गया था, उतना बार रिवीजन हो गया था मतलब खुद और खुद को मतलब ज़्यादा देखना नहीं पड़ता था, मतलब बहुत बार जीडीसी में रिवीजन आपके सब्जेक्ट में लगभग 3 से 4 बार आपने रिवीजन कर दिया था क्लास में, तो लगभग 70-80% हमारा याद हो गया था वो क्लास में। बिल्कुल मींस इस चीज़ के लिए जीडीसी में डरने की जरूरत नहीं कि सिलेबस होगा या नहीं होगा, रिवीजन होगा कि नहीं होगा, खाली क्लास अगर फर्स्ट से लास्ट ठीक करेंगे तो मेरा यही मानना है कि अंडर 500 ही आ जाएगा। गुड। अच्छा अब ये तो हमारा नहीं, अब आते हैं टेस्ट के बारे, क्योंकि जितना पढ़ते हैं उतना टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एट द बिगिनिंग बात करें तो मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, फ्लक्चुएशन होता है, स्टूडेंट्स क्या होता है डरने लग जाते हैं और टेस्ट देने से भागने लग जाते हैं, आपका क्या सिनेरियो था उस समय? हाँ सर, आपने एक्चुअली क्लास में पहले से बोला था कि जीडीसी लक्ष्य टेस्ट 100 आपको जैसे ही सॉल्व करना है, मैंने उसमें से लगभग 70-80 सॉल्व किया है, जीडीसी उड़ान भी मैंने ले रखा था उसमें, तो सर इतना क्वेश्चन मतलब 2 ईयर लग जाएगा पूरा सारे कंप्लीट करने के लिए, फिर भी मैंने 50-60% सर ट्राई किया, सॉल्व किया था। और जब भी हम एग्ज़ाम देते थे कम मार्क्स आता था, मैंने ऐसा लगा था कि हाँ ये तो मेरा लास्ट नहीं है, अगले बार फिर अच्छा करूँगा ये सोच के, और अच्छा आने के बाद मैं सोचता हूँ कि ये आ गया बाकी एग्जाम में ये नहीं आएगा। चलो अच्छा अगर मैं बात करूँ रश्मि रंजन कैसा है पर्सन वाइज, नॉटी और सिंपल अगर मैं बात करूँ तो? सिंपल। चलिए ओके। अच्छा अब एक फ्यूचर प्लान अगर मैं आपसे बात करूँ, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर मुझे PhD फार्माकोलॉजी में करना है। ओके, फार्माकोलॉजी से मास्टर देन फार्माकोलॉजी से PhD। यस सर। हाँ उसके बाद सर प्रोफेसर बनना है मुझे। ओके, एकेडमिक में आना है, बहुत बढ़िया, और ये अच्छी सोच है कि चाहिए आप जैसे स्टूडेंट्स आएंगे तो बच्चों का फ्यूचर और आगे लेके जाएंगे। मेरे पापा भी टीचर से ओके, मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट, ये बहुत अच्छी थॉट है और ये होना भी चाहिए, आपका जो पैशन है ना वो अंदर से आना चाहिए कि हाँ मुझे करना क्या है। अच्छा एक अगर प्रिपरेशन जर्नी की बात करूँ, टाइम मैनेजमेंट कंसिस्टेंसी ये ऐसे वर्ड है ना जिससे स्टूडेंट्स क्या होते हैं डरते रहते हैं, लाइक शुरुआत में अगर हाइप बना रहता है टाइम कैसे मैनेज करेंगे, GPAT कैसे करेंगे, कैसे हम क्लास टेस्ट देंगे, कब हम करेंगे, आपने कभी इस चीज़ के लिए कोई शेड्यूलिंग किया? सर शेड्यूल तो बना था बाकी वो फॉलोअप ज़्यादा दिन तक फॉलोअप नहीं हो पाता, मतलब हर दूसरे दिन वो शेड्यूल चेंज होता रहता है, मतलब एक कंस्टेंट शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पाता। बिल्कुल, बाकी हमने फर्स्ट से लास्ट तक ये डिसाइड किया था कि हाँ कुछ भी हो जाए मैंने 8 से 10 आउट तो मिनिमम देना ही देना है। बहुत बढ़िया।
अच्छा, एक चीज जो जीडीसी की सबसे ज्यादा आपके लिए एक मोटिवेटिंग पॉइंट रही कि हाँ मुझे करके दिखाना है चीजें। हाँ सर, वो जो आया है जो मतलब फेलिसिटेशन एवर्ड जो 1 से 100 तक ये मिलेगा ये देख के थोड़ा और मतलब ओके okay, मतलब मुझे अंडर 100 आना है और जीडीसी के फेलिसिटेशन प्रोग्राम में जाना है। मैंने वो वॉलपेपर रखा था मतलब स्क्रीनशॉट करके मतलब 6 महीने तक okay. जो भी देखा वो पूछा कि क्या रखा है, मैंने ये रखा है कि मोटिवेशन थोड़ा मिल जाएगा जब भी देखेंगे मोबाइल थोड़ा, हाँ मुझे रैंक लाना है। गुड, नहीं अच्छा है क्योंकि मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी हो सकता है। अच्छा रश्मि रंजन की हॉबी क्या है? हॉबी सर यूट्यूब वीडियोस और बैडमिंटन सर। बैडमिंटन देख खेलना और यूट्यूब वीडियो सर। कभी ऐसा लगा कि हॉबी के चक्कर में मेरा टाइम डिस्ट्रैक्ट हुआ या कुछ ऐसा? खासतौर पर जैसे हम यूट्यूब देख रहे हैं कभी कभी यूट्यूब भी क्या होता है फिर स्क्रॉल करते करते बहुत सारी चीज़ें हम इन्जॉय करके चल देते हैं। हाँ सर, वो डिपेंड करता है मतलब यूट्यूब में आप कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन सा लेक्चर को सब्सक्राइब करते हो। मतलब मेरा सबसे मतलब अनअकैडमी वेदांत ऐप से मतलब सारे एजुकेशन जैसे रिलेटेड वीडियो आता था तो मतलब केमिस्ट्री नीट प्रीवियस ईयर वीडियो तो कोई ना कोई हम दिखते रहते थे। अच्छा बहुत बढ़िया। और एक अच्छा यहाँ पे एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट पॉइंट ये भी आता है ना कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और खासतौर पर जब आपकी सिचुएशन है कि हम ड्रॉप आउट लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन मेंटेन कर पाना नॉट अ इजी टास्क क्योंकि बीच बीच में कभी लगता है यार क्या होगा क्या नहीं होगा क्या मेरा डिसीजन सही है नहीं है मतलब बहुत मन में सवाल आते हैं। उस समय क्या था और कैसे अपने आप को आप मोटिवेट रख पाए? अगर सारे फ्रेंड भी मतलब जॉब करके सारे भी काम करते मतलब हम मेरे बैच में दोनों ही मतलब मैं और एक फ्रेंड था जिसने ड्रॉप लिया था इस बार तो मुझे मतलब बहुत अंदर से डर लगा था कि इस बार नहीं हुआ तो मतलब मैं खुद से मैं हार जाऊंगा मतलब एक उम्मीद था तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा नहीं रहेगा बिकॉज मैंने प्लस टू के बाद भी दो बार मतलब इस बार कोई भी चांस नहीं देना था मतलब जितना हो सकता है मैं उतना ही करूँगा इस बार बहुत ही हार्ड वर्क। अच्छा अब थोड़ा सा मैं टेस्ट वगैरह में आता हूँ। आपने इतने सारे टेस्ट दिए लगातार आपके क्लास टेस्ट रहे होंगे जो आपके सैटरडे चलते थे संडे आपने वीकली टेस्ट दिए होंगे देन आपने लक्ष्य जीपैक टेस्ट सीरीज जीडीसी उड़ान टेस्ट सीरीज डेली प्रैक्टिस पेपर सारे टेस्ट आपने दिए। मैं किसी एक टेस्ट में जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उस टेस्ट के बारे में? सर सबसे ज़्यादा जीडीसी वीकली टेस्ट मतलब एक लेवल था वो बहुत बढ़िया लेवल था मतलब जितना भी वो मतलब केडी से भी पढ़ने के बाद भी 50 से 40 से 42 तक सॉल्व हो पाता है मतलब 50 से 50 तक कोई मैंने मतलब कोई भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। करेक्ट, क्योंकि हमने क्लास में हमेशा इन चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश की है कि बच्चों आप यहाँ पे जितना हाई लेवल का पढ़ोगे ना जीपैट आपको उससे इजी है। डेली प्रैक्टिस पेपर भी मुझे मतलब काफ़ी क्वेश्चन मिला है सर। हाँ जी, डेली प्रैक्टिस पेपर मतलब फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट में बहुत सारे मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब 15 से 18 तक क्वेश्चन मुझे मिला है। बहुत बढ़िया। शिफ्ट 2 में मेरा था और शिफ्ट 1 में सर तो मैं देखा था मतलब जीडीसी जितना वीकली टेस्ट मतलब जो मॉक टेस्ट लास्ट में किया था उसमें सर 80 से 90 तक क्वेश्चन आए शिफ्ट 1 में 80 से 90 तक सर। एक यही हमारा होता है ना कि हम इस लेवल की प्रिपरेशन पे लेके चलते हैं कि बच्चे के लिए। अच्छा एक मिनट, आपने इतने सारे टेस्ट दिए और हाई लेवल के टेस्ट दिए एज कम्पेयर टू द जीपैट, आपको कभी ऐसा लगा कि जीपैट में जाने के बाद आगे तो बहुत मेरा ऐसा उम्मीद था कि 2022 में थोड़ा पेपर हार्ड था तो इस बार भी मैंने ये सोचा था कि इस बार भी बहुत हार्ड आएगा मतलब मुझे उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है। वहाँ जाके देखा कि मतलब पेपर बहुत नॉर्मल लगा, इतना हार्ड हमारा मैराथन हुआ था फार्माकोलॉजी में मतलब केडी पढ़ने के बाद भी वो नहीं मिलता है और वो सारी चीज़ें हमारे लिए फ्रूटफुल रही और उन चीज़ों को हम लेके आए। ओके चलिए बहुत बढ़िया। और एक आपसे बात करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे जब स्टूडेंट्स खासतौर पर जब एक कहते हैं ना जब टूटने की सिचुएशन पे रहते हैं और वहाँ से वो विनर बनते हैं ना तो एक बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच रश्मि रंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर फ्रॉम होल द टीम ऑफ जीडीसी। आप लाइफ में और आगे बढ़े और हमारा नाम रोशन और अपना नाम रोशन सबका करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।